नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे प्रकृति के एक ऐसे वरदान के बारे में जिसे हम मृत्यु कहते हैं और जिसके बिना इस प्रकृति में मनुष्य का जीना असंभव हो जाए। जिसके बिना अगर मृत्यु ना होती तो परमात्मा प्राप्ति का कोई कारण ही ना रह जाता, अपने आप को कोई जान ही ना पाता, मैं कौन हूँ अपने नित्य स्वरूप को, अपनी आत्मा को कोई पहचान ही ना पाता, उस चीज के बारे में जिससे सारी मनुष्य जाति डरती है। क्या होता है मृत्यु के क्षणों में, कैसे मृत्यु के दर्द से बचा जा सकता है और कैसा उस समय दर्द होता है, क्या क्या लोगों के इसके ऊपर अनुभव हैं। वैसे तो जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से तो इस विषय में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन आपको कुछ खास चीज़ें बताता हूँ, कुछ गहरे रहस्य और क्या कारण है, कैसे इससे बचा जा सकता है, मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है। मृत्यु तो एक शरीर की है लेकिन डर तो मन का है, और यदि मन से डर हट जाए तो मृत्यु भी झूठ हो जाती है। तो मन से डर कैसे हट सकता है मृत्यु का, इसी के लिए सारा अध्यात्म है, इसी के लिए पाठ पूजा प्रार्थना ध्यान रेकी मेडिटेशन ये सारे योग प्राणायाम आसन सभी कुछ इसी के लिए किए जाते हैं, ताकि मनुष्य अपनी मृत्यु पर विजय पाले, मनुष्य के मन से अंतर मन से मृत्यु का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उन लोगों के मन से मृत्यु का डर हमेशा के लिए निकल जाता है जो ध्यान की गहरी अवस्था में जाके अपने ही शरीर से बाहर निकल के अपने शरीर को देख लेते हैं, जान लेते हैं, या ध्यान की अवस्था में जाके अपने पिछले जन्मों में देखते हैं, अपने पिछले जन्मों में अपने जन्म मृत्यु जीवन को देखते हैं, तो उनके भीतर से भी डर जो है मृत्यु का वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो देख लेते हैं कि मैं बहुत बार जन्मा हूँ, बहुत बार मरा हूँ, बहुत बार आया, बहुत बार गया, तो वो सारा सिस्टम देख लेते हैं, इसलिए उनका भ्रम टूट जाता है कि मनुष्य आता है मरता है, तो इससे हम पार हो जाते हैं। अगर मृत्यु ना होती तो परमात्मा की प्राप्ति असंभव थी। कोई भी योग जब तक प्राणायाम कोई ना करता, कोई सन्यासी ना मिलता, सभी यहाँ भोगी होते, कोई आत्मा के स्वरूप को ना जानता, धरती पर इतना त्राही त्राही होती जिसका कोई हिसाब नहीं, इसलिए परमात्मा ने इस सिस्टम को बनाया हुआ है। तो क्या होता है लोगों के साथ मृत्यु के क्षणों में, आखिरी क्षणों में कैसा लोग महसूस करते हैं। मृत्यु वो चीज है जो मनुष्य को आत्मा से परमात्मा तक मिलाने में, अपनी अंतर यात्रा शुरू करने में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए उकसाती है। यदि मनुष्य के भीतर मनुष्य को अपनी मृत्यु दिखती है कि उसे एक दिन मरना है, उसके भीतर ये बात कील की तरह ठुक जाए, पता तो सबको है लेकिन कील की तरह किसी के ऊपर नहीं ठुकी, जिसके भीतर कील की तरह ये लग जाती है वही व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, वही आत्मा की खोज करता है, वही परमात्मा की खोज करता है। तो मृत्यु के क्षण में कहते हैं बहुत दर्द होता है, वो दर्द क्यों होता है, कितना दर्द होता है, कहते हैं एक बिच्छू, अगर जिनको बिच्छू ने काटा हो तो उनको बिच्छू का दर्द पता है कैसे बिच्छू एकदम से बहुत तीक्ष्ण दर्द देता है। तो मृत्यु के समय करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार दें तो उससे कितनी भयंकर पीड़ा होती है। किसी को इसका एहसास करना है तो कुछ देर के लिए अपना श्वास रोक ले, जितनी देर रोक सकता है रोके, प्राणों को फड़फड़ाने दे, उसे मृत्यु का थोड़ा सा आभास हो जाएगा। और जिसे मृत्यु का आभास होता है, मृत्यु याद हो जाती है, वो इस दुनिया में किसी के साथ छल कपट चोरी नहीं कर पाता, नहीं कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे याद है कि ये सब बहुत छोटा सा जीवन है। क्या हुआ यदि 100 साल का भी हुआ, 100 साल का ही सही तो बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, तो वो कुछ भी गलत नहीं कर पाता। जो भी करेगा वो अपनी आत्मा से करेगा, अपनी ईमानदारी से करेगा, अपनी शुद्धता से पूरे मन से करेगा। तो मृत्यु से कैसे बचा जाता है या कैसे इसका बचने का, तो इसका तरीका केवल और केवल आध्यात्मिक होके अपने शरीर को अलग देखना, अपने शरीर को देख लेना, या अपने पिछले जन्मों को देख लेने मात्र से, या जब कुंडलनी का पूर्ण जागरण तीसरे चक्र तक हो जाता है, अर्थात 2 चक्र उसके पार हो जाते हैं, तब भी यह मृत्यु का भय खत्म हो जाता है।
मनुष्य के भीतर से, वो निर्भय हो जाता है, उसके भीतर अति व डर भय नहीं रहता। तो ऐसे जितने महापुरुष थे जिन्होंने अपना जीवन जीवन तली पे लग के लड़ते थे पिछले समय पे, वो अपने इन चक्रों को पार चुके कर चुके होते थे। तो हम बात कर रहे हैं मृत्यु में कैसा डर होता है। देखिए, जब मनुष्य का अंतिम समय होता है, अंतिम कुछ समय होता है, तो कहते हैं उसके भीतर पूरी की पूरी उसकी जो थर्ड आई है वो खुल जाती है, उसका पूरा जो पिछला जीवन का सर्कल है पूरी की पूरी शॉर्ट फिल्म की तरह उसके अंदर चलती है। वो इसलिए चलती है ताकि उसका अवचेतन मन उस फिल्म को देख ले कि उसने जिंदगी भर क्या कमाया है, इस दुनिया के काम धंधे में ही लगा रहा या कुछ अपनी आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, परमार्थ के लिए, पुण्य के लिए कुछ कमाया है। तो वो जो फिल्म देखता है वही उसके अवचेतन मन से चेतन मन में पूरी तरह से एक हो जाती है, उसी के आधार पे वो नया जन्म लेता है। वही उसकी जो वासनाएं इच्छाएं इस जन्म में अधूरी रह जाती हैं वही अगले जन्म में खींच के लेके जाती हैं। मृत्यु का भय कैसा? मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य, जो लोग बहुत अपने शरीर से जुड़े होते हैं, अपने शरीर से मैं हूँ, मैं ये हूँ, इतने इतने दंड बैठक मारते हैं, इतने बॉडी बिल्डर बनते हैं, ये करते हैं, कोई मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, उसने अपने शरीर को कभी अपने से भिन्न जाना ही नहीं, कभी उसने इस विषय पर सोचा ही नहीं, कोई साधना की नहीं कि वो इस शरीर से कुछ अलग है। तो वो पूरा जीवन अपने आप को शरीर ही समझता है। जो लोग ध्यानी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, वो मृत्यु से कुछ समय पूर्व, अगर वो पूरा जीवन ना भी कर पाए तो मृत्यु, जिन्होंने अच्छा अध्यात्म परमात्मा का नाम जपा है, किसी भी तरह से कोई रेकी, उपवास, धन, मेडिटेशन, ध्यान कुछ भी करते रहे हैं, तो उनकी जो ऊर्जा है वो आखिरी क्षण में अपने आप को वो अपने शरीर से अलग देख लेते हैं। यदि वो पूरा जीवन भी सफल नहीं हो पाते अपनी अंतरात्मा को जानने के लिए, परमात्मा के जानने के लिए, तो आखिरी समय में शरीर में और आत्मा में काफी फासला आ जाता है, इसी फासले का फायदा लेते हुए वो शरीर से अलग हो जाते हैं। तो शरीर को जो पीड़ा होती है वो उसको देख लेते हैं होश पूर्वक, और जब अपने शरीर को मरता हुआ देख लेते हैं तो संसार सागर से पार हो जाते हैं, फिर अगला जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने नित्य स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, फिर वो अपना कोई अगला जन्म ले ना ले उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। तो जो तकलीफ होती है जो मनुष्यों को आखिरी समय में जो समस्या होती है वो इस कारण होती है क्योंकि उसने पूरा जीवन अपने आप को शरीर ही समझा है, अपने शरीर को ही पाला पोसा है, अपने शरीर की इच्छाएं पूरी की हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, धन, सेहत, ये वो पूरा जीवन उसका इसी के ऊपर, शरीर के ऊपर फोकस है। तो उसने कभी अपने आप को जाना नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं कुछ अलग स्वरूप हूँ, उस विषय में उसने कभी कोई यात्रा की ही नहीं, अपने आप को शरीर समझा है। तो जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो वो मनुष्य क्या करता है, क्योंकि भीतर तब भी ऊर्जा होती है, वही स्वभाव मनुष्य का होता है अपने आप को बचाना, अपने आप को स्थिर करना। तो ऊर्जा जो आखिरी समय है वो शरीर की ऊर्जा को खींचता है, लेकिन मनुष्य दोबारा दोबारा वही लौट के शरीर में जाता है। एक तरफ मृत्यु उसकी ऊर्जा को खींचती है शरीर से, यदि वो ध्यानी है, परमात्मा से जुड़ा रहा है, जो लोग भी अध्यात्म से गहराई से जुड़ जाते हैं वो इस पीड़ा से बच जाते हैं, उनको पीड़ा नहीं होती, वो काफी हद तक समझ चुके होते हैं वो इस शरीर से भिन्न कुछ हैं, या बहुत लोग तो जान चुके होते हैं, और जो जान लेते हैं बेशक आपको दिखाई ना दें वो अलग हो जाते हैं दुनिया से, वो दुनिया के साथ चिपके नहीं रहते, वो दुनिया से अलग हट जाते हैं, वो अपने आप में ही जीते हैं, किसी से बात करना फालतू उनको अच्छा ही नहीं लगता, अपने ही स्वरूप में उनको शांति में, आनंद में स्थिर रहना अच्छा लगता है, तो वो उसी में रहते हैं, दुनिया से झंझट से दूर रहने लग जाते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, बेशक आपको नहीं पता चलता, वो बात दूसरी है, क्योंकि वो अपने आप को कट कर लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वापस आते हैं दुनिया का कुछ करने के लिए कि हमने अपने आप को जान लिया, तुम भी जानो, तुम भी अपने आप को पहचानो, तो दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं। वो जिनको प्रभु का आदेश होता है वो आगे आते हैं,
लोगों को प्रेरित करते हैं अध्यात्म पर चलने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। तो जब मृत्यु उसके शरीर से प्राणों को खींचती है तो उसका जो पूरा जीवन का, पूरा जीवन की उसका गुण धर्म बना हुआ है, स्वभाव बना हुआ है। अगर आपके यहाँ किसी कोई डंडा मार रहा है तो आप हाथ पीछे खींच लेते हैं, वही वृत्ति, अपने आप को बचाने की वृत्ति दोबारा दोबारा शरीर में प्राणों का संचार करती है, बार बार मृत्यु खींचती है और प्राणी दोबारा, जो शरीर नहीं चल सकता वहां पे दोबारा दोबारा अपनी ऊर्जा को झकेलता है। इसी घर्षण के कारण वो मृत्यु की पीड़ा आगे बढ़ती जाती है। मनुष्य इसी क्रम में लगा होता है कि वो वापस अपने शरीर में आ जाए। मृत्यु से खींच के अलग कर लेती है, मृत्यु थोड़ा थोड़ा खींचती है, शरीर से पैरों से प्राण खींचे गए ऊपर ऊपर ऊपर, लेकिन मनुष्य की वही जो सारे जीवन की अपने आप को बचाने की वृत्ति है, क्योंकि सारा जीवन अपने आप को समझा ही शरीर है, तो वो क्या करता है, वापस शरीर में अपने प्राणों का संचार करता है, मृत्यु खींचती है इसी घर्षण के कारण, पुनः पुनः बार बार दर्द तकलीफ, वो पीड़ा, भयंकर पीड़ा वो होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर वो व्यक्ति अध्यात्म हो, परमात्मा से जुड़ा हो, तो वो तत्क्षण उसी समय पे अपने शरीर को खींच लेता है। और लोग, जो लोग ध्यान से शरीर को खींच लेता है, अर्थात अपने आप को शरीर से अलग करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने पूरा जीवन अध्यात्म में रह के यही जानने की कोशिश की है कि वो परमात्मा का स्वरूप है या वो आत्मा है, वो कौन है, वो अपने स्वरूप को जानना चाहता है। पूरा जीवन जिसका आध्यात्मिक यात्रा में लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को जब मृत्यु खींचने लगती है उसके प्राणों को, तो वो उसका सहयोग करता है और अपनी आत्मा को खुद ही खींच के अलग कर देता है, शरीर को मरते हुए देखने लग जाता है, शरीर से अलग होके लगभग जो अध्यात्म में अच्छे से जी लेते हैं वो आखिरी क्षणों में इस दर्द से बच जाते हैं। बहुत सारे लोग तो जीते जी ही, उस जितनी आपकी तीव्रता होगी अध्यात्म को पाने के लिए, उतनी आप गहराई से, आप पहले ही मृत्यु से मनुष्य पहले ही पा लेता है अपने आत्म तत्व को, अपने आप को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है। लेकिन यदि कोई वहां तक सफल नहीं हो पाता तो मृत्यु के क्षणों में सफल होने की उसकी पूरी संभावना होती है, यदि व्यक्ति ने अच्छे से आध्यात्मिक जीवन जिया है तब। अब इसी कशमकश में बार बार संचार करने और मृत्यु द्वारा प्राणों को खींचने के कारण वो सारे का सारा भयंकर दर्द होता है, और आखिरी समय में जब वो टेप चलती है तो वो प्रकृति, वो परमात्मा, वो हमारा अवचेतन मन, जो चित्रगुप्त भी है हमारे भीतर, हमारे सारे कर्म रिकॉर्ड कर रहा है, वही चित्रगुप्त जिसको हम कहते हैं कि धर्मराज के पास चित्रगुप्त है, वो वहां पे होगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे भीतर चित्रगुप्त है, वो हमारे सारे कर्मों को रिकॉर्ड कर रहा है, भीतर एक कैमरा लगा हुआ है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप एक साल पहले 15 अगस्त के दिन क्या कर रहे थे, तो आपको याद नहीं होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन यदि आपको मैं हिप्नोटाइज करूं, आपको थोड़ा सम्मोहित कर दूं और वहीं पे आपको वापस लेके जाऊं, तो आप पूरे दिन की घटनाक्रम बता देंगे, मैं ये कर रहा था, आप सारा कुछ बता देंगे, क्योंकि वो सारे का सारा आपके भीतर जो चेतना है उसने सारे का सारा रिकॉर्ड अपने पास रखा है। लेकिन यदि वो सारा रिकॉर्ड दिमाग पे आ जाए तो दिमाग पागल हो जाता है, इसलिए वो सारा रिकॉर्ड अंदर चला जाता है, तो वो सारा हमारे भीतर होता है, वही जो भीतर पूरे जीवन का रिकॉर्ड होता है, तो उसकी शॉर्ट फिल्म बनाता है परमात्मा, उसका जो सिस्टम है वो शॉर्ट फिल्म बनाता है और हमें दिखाता है कि तुम्हारे जीवन का ये सिस्टम है, तुमने ये किया, पूरा जीवन केवल तुमने धोखाधड़ी की, लोगों को लूटना किया तुमने, या तुमने केवल अपने परिवार की, अपने शरीर के पालन पोषण के विषय में ही सोचा, या तुम्हारी यही पूरा जीवन इसी में, देखो तुम्हारी यही वृत्तियां रही, तुमने केवल पूरा जन्म जीवन यही किया, या तुमने पूरा जीवन केवल अध्यात्म के लिए समर्पित कर दिया, तो स्क्रीन होती है, एक टीवी की तरह चलती है। जैसे स्वप्न में आप रात में लेटे होते हैं तो रात में कहां क्या होता है, कहां आप स्वप्न देखते हैं, आपके पास कोई टीवी नहीं लगा होता, फिर स्वप्न कहां चलते हैं, आपके पास वो जो भीतर की स्क्रीन है, वो तृतीय नेत्र, वो पूरी तरह से अपनी रात के समय स्क्रीन चालू कर देता है, वही स्क्रीन मृत्यु के समय बहुत प्रगाढ़ हो जाती है और पूरी जीवन की शॉर्ट फिल्म दिखा देती है।
कि पूरे जीवन का निचोड़ क्या है। आप परमात्मा के लिए जिए, अपने आत्मा के लिए जिए, लोक कल्याण के लिए जिए, किस लिए आप जिए, उस समय पे जो आपका निचोड़ निकलेगा उसी के हिसाब से आप नया गर्भ तलाश करेंगे या मुक्ति को पाएंगे या नीच योनियों में जाएंगे। वो आपका पूरा जीवन तय करता है और मृत्यु ही वो परीक्षा होती है पूरे जीवन में हमने क्या किया है। इसलिए सभी से मैं कहना चाहूँगा और कि कम से कम आप घंटा घंटा रोज निकालें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आप को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आप कुछ करें, कम से कम रेकी करें, वो आपका कचरा निकाल देती है। धीरे धीरे आप परमात्मा से जुड़ना शुरू करें। और जिन लोगों ने मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप पिछला जन्म कैसे देख सकते हैं उसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा। एक और वीडियो इसी से जुड़ी हुई है मेरी, वो भी मैं, वो एस्ट्रल ट्रैवल की है, कैसे हम अपने शरीर से बाहर निकले। अगर कोई शरीर से बाहर निकलने लग जाता है सफलता से तो उसका मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि वो जान लेता है मैं कौन हूँ। अपने आप को जान लिया तो बात खत्म, जीवित है या मृत्यु है, मृत है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने आप को जान लिया मैं ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। और जिसने जान लिया वही परम आध्यात्मिक है, वही परमात्मा का स्वरूप प्राप्त करता है, वही अपना नित्य स्वरूप प्राप्त करता है, वही अपने आप को जानता है, वही अमृत है, वही अमृत को पाता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।